नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बकरा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, दो सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में।
अरे ये हाथ तो कुछ कर ही नहीं रहा है। हाँ वही ना, डर लग रहा है, चलते हैं। भगवान, ये सुबह सुबह कितनी आवाज कर रहा है। ए आदि, ए फंस गए लगता है। शैतान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रम्या मदर, ये कह रही थी ना कि आदि भैया के पास स्माइली बॉल नहीं होगा तो वो एंग्री रूप में बदल जाएंगे, इसलिए श्रवण बॉल लेने अंदर गया है। क्या कहा, स्माइली बॉल? भैया, अरे पागल, मेरे कॉलेज पहन के जाने वाली ड्रेस थी वो। ड्रेस बहुत ही अच्छी है। एक बात बताओ, बाइक चलाते वक्त खाना खाते वक्त तुम्हारा हाथ अच्छा रहता है और खाली समय पे तुम्हारा हाथ पता नहीं क्या क्या करता है। ये हाथ जब भी खाली हो, इसके हाथ में स्माइली बॉल देने के लिए डॉक्टर ने ही कहा है इसे। अब ये कितना सही है गलत है ये तो वही जाने। टाइम हो गया क्या? बस हो गया। खा ले, अच्छे से खा। हाँ सर, वो फाइल डी ड्राइव में है, न्यू गेम्स फोल्डर में देखिए। बाय। ए बॉल भूल कर जा रहा है, ले। क्या सुबह सुबह शुरू हो गया यार। हाय ब्रो। उस सुधरे या नहीं ना? अरे आज सुबह टीवी में मैंने फिल्म देख ली, इसलिए मेरा मूड हो गया। तो सामने जो भी आ जाएगा उसी के साथ शुरू हो जाओगे क्या? बदतमीज। मारिए और अच्छे से मारिए। आंटी, मैंने गाना गाया तो आपको अच्छा लगा ना? फोन पे भी वही गाना सुन रही हो ना? कोई बात नहीं, इसे भी सुनाओ। अरे चढ़ती जवानी, वल्ला वल्ला, ऐसा लगता है क्या कि मार खाने वाला। अरे पढ़ने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? तुझे तो कोई लड़की मिलने से नहीं अच्छी। बहुत ही खड़ूस है, इसके पति से कैसे चलता होगा? दोबारा मुझसे टकराना मत समझी। लगता है पहले भी मार खा चुका है। चल अपना स्टॉप आ गया, चलते हैं। चल चलते हैं। ये तो चेहरे से ही ठरके दिखाई दे रहा है। तेरे सामने आया तो उसको यूं ही दंडवा देंगे ना, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है यार। भाई 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 भाई, चॉकलेट लीजिए भाई। क्यों ब्रो, क्या स्पेशल है? आई गॉट न्यू जॉब। वाओ, कांग्रेट्स। जो ही भी साथ में है। कौन सा डिपार्टमेंट? भैया भैया, मुझे वो बॉल दो ना भैया। छोटे को चाहिए तो चॉकलेट मांग सकता है, लेकिन बॉल मत मांग। नहीं नहीं, मुझे बॉल ही चाहिए। अरे छोटे, मैं बॉल तो नहीं दे सकता हूँ यार। एक काम कर, तू जा पहले स्कूल चला जा। मांग रहे तो दे नहीं सकते हो क्या? एक यार, मैं बोल रहा हूँ, बात सुन ना, मैं नहीं दे सकता इसे। अरे छोड़ मत, क्या कर रहा हूँ, छोड़ ना। अरे मत कर ऐसा यार, क्या कर रहा है? नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा, किसी को परेशान मत करना। इस मामले से बॉल के लिए मुझे इतना मारा? ए बॉल के लिए नहीं मारा, इसका मामला दूसरा है। इसको एलियन हैंड सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है। एक बात ऐसी है, अगर इसका हाथ खाली रहता है तो किसी की बात नहीं सुनता, इसीलिए इसको बॉल चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा इसको तो हाथ में कुछ पकड़ के रखना चाहिए ना सर। अरे मैंने नहीं बोला, उसने बोला है। तुम ऐसे फालतू में मुझे क्यों फंसा रहे हो? एक छोटी सी गलती के लिए इतना तो पिट चुका हो, अब तो बच्चे ने भी मार दिया। ये भरोसा नहीं कर रहा, इसका डेमो मुझे कुछ नहीं देखना। हेलो, हाँ ठीक है, वो वर्कआउट करने के लिए डाला है, इवनिंग के अंदर मिल जाएगा। हाँ मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन तुम भी थोड़ा सा देख लेना। हाँ अच्छे से देख लेना। हाँ मैं मेल भी कर दूंगा। ओके थैंक यू, बाय। ओह नहीं,
इंसानों को बार बार होती है। दिमाग के अंदर एक हिस्से में जब कॉर्पस कोलाजम मिलते हैं, तब लेफ्ट राइट के दिमाग को मिलाकर निकलने वाले नसों को खराब करके दोनों दिमाग के संदेशों को मिला दिया जाता है। एलियन हैंड सिंड्रोम की दुनिया में कोई दवाई नहीं है, लेकिन आम तौर पर हम इसे रोक सकते हैं स्माइली बॉल से। इस बीमारी से पीड़ित कोई भी अपने खाली समय में स्माइली बॉल का इस्तेमाल करे तो वो अपने हाथ को काबू कर सकता है। सी, यही है इसका प्रॉब्लम। Hi, meet our new joinee, Abhinay. Hi, Abni. Hi, I'm Rakesh. Hi, Abni. ये तुम्हारे गांव की आदत है क्या? नहीं, ये मेरी आदत है। बदलने की कोशिश करूंगी। No issue, be yourself. साथ कप ऑफ कॉफी, हमारे बीच ऐसा कुछ है ही नहीं, फिर भी कन्वर्सेशन। लगता है हम काफी दिनों से एक दूसरे को जानते हैं। क्या? जब तुम्हें मैंने लिफ्ट में पकड़ा, तब मुझसे शादी करोगी ऐसा पूछने का दिल किया। तुमसे मिलने की खुशी में हमेशा के लिए तुम्हें लिपट कर पकड़ लूं, ये पूछना गलत है क्या? हेलो सर, योर बिल। अवनी रन, अवनी। क्या? हेलो मिस्टर, आपका बिल। रुकिए रुकिए। हेलो सुनिए, रुक जाओ। हेलो अवनी, चलो। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? हेलो सुनिए, चलो। हेलो, कहाँ भाग रहे हो? चलो जल्दी। आओ आओ, बताता हूँ। सॉरी ब्रो। हेलो हेलो खाकर पैसे नहीं देंगे तो वो लोग क्या करेंगे? अगर पैसे नहीं थे तो मुझे कहना चाहिए था। हेलो, पैसे दिए नहीं ऐसा कहा? नहीं ऐसा थोड़ी कहा। तो फिर पे क्यों नहीं किया? इसके लिए अभी ने छुट्टी मांगकर मेल भी नहीं किया, फोन भी स्विच ऑफ कर दिया है। एनी प्रॉब्लम? नहीं, कुछ नहीं। The number you are trying to reach is currently unavailable. Please. ए, आदि, 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 फोन बज रहा है, कब से उठाना? हेलो हेलो, अवनी सुनाई दे रहा है?
हाँ सुन रही हूँ। हे, कहाँ गई थी दो दिनों से? मैं गांव आई हुई हूँ। एक बार बता कर तो जा सकती थी ना। हर काम के लिए तुम्हें बता कर जाना होगा क्या? मैंने अपने पापा से तुम्हारे बारे में बात की। क्या बात की? उन्होंने पूछा कि तुम मुझे पसंद हो, तो मैंने कहा कि बहुत पसंद हो। दो दिनों तक तुम्हारे बारे में बहुत बातें की। पूछ रहे थे कि शादी करना चाहती हो, मैंने कहा कि एक हफ्ते में करवा कर दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि कर लो। एक हफ्ते में कैसे? बिना किसी रिलेशन के तुम मेरे साथ कॉफी पी सकते हो, मुझसे इतनी बातें कर सकते हो, तो आप क्या सोच रहे हो? सीधे तरीके से तुम और तुम्हारी फैमिली मेरे गाँव आ जाओ। हेलो अवनी, माँ एक हफ्ते बाद मेरी शादी है। माँ मुझे एक ड्रेस, मेकअप किट और ज्वेलरी नहीं दिया तो मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊंगी। ए, मुझे तो खादी की साड़ी, पत्थर लगी हुई चूड़ियाँ सब ला कर देना बेटा। तुम दोनों ऐसे खेल रहे हो यार, एक हफ्ते बाद मेरी शादी है, कुछ टेंशन नहीं हो रहा? ए, हमें पहले से ही सब पता है बेटा। शाम को ही अभी और उसके रिश्तेदारों ने फोन करके हमसे बात की थी, पता है तुझे? तो फिर मैं आखिर में रह गया क्या? तो दिख ही नहीं रहा। उसने कहा कि हम दो दिन के बाद आए और हम सरप्राइज देने पहले आ गए हैं, तो कोई कैसे दिखेगा? कोई तो आएंगे ना माँ, जाकर देखते हैं चलो। क्या है भैया ये सब? क्या है यार? ये तो एक विकेट गिर गया। कहाँ है हंसिका? आउट हो गई। कहाँ है सन्नी लियोनी? आई एम कमिंग फॉर यू, भागो मत। ये सबका नाम क्यों ले रहा है? कितना दुबला पतला, पर हमें कैसे भगाता है? सन्नी लियोनी भी आउट हो गई। भोबिया, आई एम कमिंग। अरे भाग गया, भागो मत। आइए आइए, नमस्ते। आइए, वैसे ये अंदर जो आदमी वो पागलों की तरह हरकत क्यों कर रहा है? वो मेरा भाई है। आपका भाई है? अरे तब तो कोई बात नहीं, चलिए चलिए। भागो मत, छोड़ूंगा नहीं। बात के घर के लोग आए हैं, क्या कर रहे हो? वेब्स के साथ लॉकर की ढूंढने का खेल खेल रहा हूं। क्या साढ़ू भाई, बच्चे के साथ खेल रहे हो मुझे छोड़कर? डैम इट, चुप रहो। ये अवनी के बड़े पिताजी। नमस्ते। नहीं बोल सकते हो क्या? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप लोग काफी दूर से आए हैं, थक गए होंगे। बगीचे वाले बंगले में आराम कीजिए, मैं तब तक निमंत्रण पत्र चेक करके आता हूँ। सुनो कांत। जी भैया। इन्हें जरा पास वाला बंगला दिखा दो। जी, जी, अवनी पापा तुम भी साथ में जाकर आओ। सासुमा आप लोग रेस्ट कर लीजिए, तब तक मैं खाना बनाकर लाती हूँ। हाँ तुम टेंशन मत लो, जाओ। झूला तो बहुत अच्छा है। अरे बाप रे, बहुत थक गया हूँ आंटी। आदि हाँ, अभी भी रुमाल क्या? मैंने उन्हें सब कुछ तो बता दिया है, पर तुम्हारे हाथ के बारे में नहीं बताया है अब तक। अरे अरे, इसलिए अगले 5 दिनों तक कोई गड़बड़ ना हो इसका ख्याल रखना प्लीज। तुम भी, अरे पागल, अब तक तूने मेन बात ही नहीं बोली क्या? चलो चलते हैं, लगता है ये मार खिलाएगा यहाँ। अरे ये भी क्या जल्दबाजी है, थोड़ी सी बात तो कर लेते ना। बैठो, बैठो। मैं अपने पापा को जानती हूँ, वो ये समझ जाएंगे। शादी से पहले बस ये 5 दिन आदि संभाल ले तो सब ठीक रहेगा। इतना लंबा हाथ है, ऐसे कैसे छुपा सकते हैं बेटी? दामाजी दामाजी, अरे कौन आवाज लगा रहा है? इतने सारे लोग आए, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुमने पूछा था ना कि तुमसे शादी करूंगी या नहीं, तो अब मैं तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, पर सब संभाल लेना। नमस्ते। लगता है अपना भी ऐसा दिन आने वाला है। नमस्ते। हम दूल्हे को देखने के लिए आए हैं, तुम जाओ बेटी। हमारे गांव के लड़की से शादी करने वाला कौन है? ये उनके पास जाकर बोल रहा हूँ, बंद करना। अपने तंजावुर विशाल मंदिर के जैसा लंबा है ना? बताओ जरा कितना लंबा है, बिल्कुल सत्यराज जैसा दिखता है। वो हलवा दिया था ना, उससे ऐसा होगा लगता है। दामाद जी, हाथ में बॉल रख के क्यों घुमा रहे हो, जरा मुझे दीजिए। अरे नहीं 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 वैसे भी दामाद जी के घर वालों को सोना है। चलो चलो खाली करो, घर खाली करो, निकलो, चलो जाओ। इतने लोगों के सामने अपने हाथ की तकलीफ को कैसे छुपा पाएगा बेटा? देख, गलती से भी ये बॉल किसी दूसरे के हाथ में मत देना। सॉरी यार, उसने गलती से मार दिया।
बॉल को हाथ में रखना। पुराने रिवाज के हिसाब से मामा को पहला निमंत्रण देना होता है। मैं देख कर आता हूं। आप रुकिए। ओके ओके। जरा इनका ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल। हाँ कोई बात नहीं, हम लोग संभाल लेंगे। आप जाइए। नमस्ते भाई। यहाँ पर तो मैं ही दूल्हा हूँ। थाई मसाज करेगा क्या? ये पूछने बंद कर। ठीक। अरे भाई कांता को जल्दी आने के लिए कहो। हाँ, जाओ। अरे वो दुबला कोई हरकत ना करे, देख लेना। अरे दूल्हे के काम के लिए बड़े भैया आपको बुला रहे हैं, चलिए जल्दी। ए, वो आदमी अपनी छोटी बहन के शादी के चक्कर में मुझे चड्डी भी नहीं पहनने दे रहा है। पाँच मिनट में पहन कर आता हूँ, जाओ। हाँ ठीक है मालिक। चड्डी भी नहीं पहनने दे रहे हैं। अरे इसमें आगे का क्या है, पीछे का क्या है? सारा सामान ठीक है ना मालिक? वो पाँच मिनट में आ रहे हैं। पाँच मिनट कह के कितनी देर कर रहा है, जल्दी आने को कहो। अभी ले भाई, तुम हाथ नहीं लगा देना। मालिक तुरंत बुलाया है आपको, जल्दी चलिए। क्या रे, बिना पहने आऊंगा क्या? जाना, अब चड्डी पहनने के लिए मुहूर्त थोड़े ही निकलवाऊंगा। जाना, पाँच मिनट में आता हूँ, बोल दे उनको। अरे सुन, हाँ? एक बात बता, तूने पहनी है ना? हाँ, हाँ, तो जाना। देखो भाई सारा काम अच्छी तरह से होना चाहिए। अब क्या हुआ? गुस्सा मत कीजिए, मैं जाकर लेकर आता हूँ। चलो भाई चलो। साहू जी वहाँ सब वेट कर रहे हैं और आप यहाँ पर चड्डी के साथ खेल रहे हो। चड्डी तो पहनने दो, इज्जत चली जाएगी। चड्डी को फेंकिए और इस शर्ट को पहनिए और चलिए। शर्ट छोड़ो, चड्डी पहननी ज्यादा जरूरी है। अरे वहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ पर चड्डी के चक्कर में पड़े हुए हैं। चलिए चलिए, अरे जल्दी चलिए, आइए ये लीजिए। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे थे अंदर? वो बस मैं ऐसे ही कुछ पहन रहा था। क्या पहन रहे थे? हाँ मैं दिखाता हूँ। अरे ये इसके बारे में नहीं पूछ रहे हैं, ये शर्ट पहन रहे थे। चलो ठीक है, जल्दी से उतारेंगे। देखना चाहता चट्टी है कि नहीं। अरे ये क्या दबाजी, बॉल के साथ खेल रहे हो? ये लो बच्चों खेलो। अरे ले, बॉल के छीनने से दामाद का चेहरा देखो, लगता है ये पक्का खिलाड़ी है। ये दिखाइए मुझे। अरे रे, मेरे हाथ में क्यों बांध रहे हो इसे? ये ऐसा ही है। अरे आंटी प्लीज आप संभाल लीजिए, जोर से बांधो। तुम कुछ बोलो ना। हां हां बताती हूं, वो क्या है, दूल्हे और ससुर का हाथ बांधना हमारे यहां का रिवाज है। लेकिन मेरा हाथ क्यों बांधा है? मैं बताता हूं, आप बड़े ससुर हैं ना, इसलिए आपके हाथ के साथ बांधा है। अच्छा ये लो दामाद। चलो आओ। अरे अरे नाराज क्यों हो रहे, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूंगा। बहुत बढ़िया। छोटे 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 बॉल दे, बॉल दे, बॉल दे। अरे बॉल दे मेरे। अरे मैं कहाँ घुमा रहा हूँ, तुम घुमा रहे हो भाई? थोड़ा रुक जा, थोड़ा रुक जा, किसी और को मत मारना। अरे धोती नहीं, धोती नहीं, लुंगी नहीं, लुंगी नहीं। अरे उसकी लुंगी छोड़ दे, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। दामाद जी छोड़िए, चड्डी नहीं अंदर। ज्यादा मत बोलो, ये उतार देगा। पीने में बड़ा मजा आ गया। भगवान, दामाद जी बहुत बड़े खिलाड़ी लगते हैं। वो तो बहुत अच्छा हुआ तूने लाइट ऑफ कर दी, वरना मेरी इज्जत ही चली जाती आज तो भाई। क्या लाइट ऑफ करके उसने आपकी इज्जत नहीं बचाई, अपनी आंखों को बचा लिया। बड़े ससुर जी आप बहुत अच्छे इंसान हैं। देखो इसको, ऐसा लग रहा है मार खाया हुआ गेंडा जानवर। अरे सिर्फ दूसरी बार का है। सही कहा। अरे सुन, अब मैं कैसे कंट्रोल करूँ, मुँह को समझ में नहीं आ रहा। ना तो मुँह को कंट्रोल कर पाते हो, ना अपने दामाद को कंट्रोल कर पाते हो। आपने कभी उसके हाथ में रहने वाले बॉल को छीना है? एक बार मैंने छीना था, मार मार के फूटे हाथ कर दिया मेरा। अरे इसको भी झटका लगा है, संभालना पड़ेगा। चुप कर बे। अरे मामला क्या है वो साफ साफ बताना। देखो बात ऐसी है, उसे एलियन हैंड सिंड्रोम नाम की बीमारी है। बाकी सब फ्लैशबैक है। अरे फिर तो छोटे भाई की बेटी की जिंदगी को बचाना है ना। उसके लिए तुम्हें बॉल को उससे छीनना होगा, इस शादी को रोकना होगा। मैं जा रहा हूँ। तुम्हें कौन पकड़ के रखा है? जाओ जाके करो जो करना है। क्या हमारे खानदान की यही पंडित जी निमंत्रण पत्र? ए वो सारे फल रख दो। कल रात को दामाद जी के बारे में ये लड़के वाले कुछ कह रहे थे, दारू पी थी इसलिए कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोला। साधु जी मुझे याद आ गया। क्या है वो? मेरी बीवी फोटो में मुझे देखकर धीरे धीरे हंस रही थी। फोटो में कैसे हंसेगी?
पागल कहीं का, वो दामाद जी के बारे में कुछ कह रहे थे, मैं वो सोच करके टेंशन में हूँ। तुम क्या बोल रहे थे? साडू जी, साडू जी, ये क्या है? मुझे याद तो बताओ ना, जब आप उनसे बात कर रहे थे तभी मैंने बोला था कि ये बहुत मजाकिया है। हाँ करेक्ट, फिर क्या बोला उन्होंने? बोले कि इसमें कोई मजाक नहीं है। अरे नहीं, दामाद जी के बारे में कुछ कह रहे थे, वो क्या था? तारीफ कर रहे थे। ऐसा क्या? जोर से लगी है। ये सब क्या बकवास कर रहे हैं? कल हम लोग जब बैठ कर पी रहे थे, कल तो हमने दारू पी ही नहीं थी। तेरा चेहरा देखे ना, उसके बाद इन्होंने ये सारी बातें बोल दी। इनके बारे में बात कर रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, दामाद जी के हाथ में बॉल वगैरह ऐसा कुछ कह रहे थे। अरे वो बात नहीं है, तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है मतलब, है ना? नहीं, वो दामाद जी कुछ चूहा वुहा कुछ ऐसी बात कर रहे थे। अगर हाथ से बॉल ले ली तो सिर्फ तुमको नहीं सबको मारेगा। छोटे दामाद जी के हाथ से बॉल छीनेंगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ बोल रहे थे। मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, मैं खुद जाकर के छीन लूंगा। जल्दी से जाओ, जाओ। अबे जाने तेरा, मार खाएगा तू, समझ जाएगा। तूने क्यों भेज दिया? चल चल चल, को ले जा रहा है। सब पे कृपा करिए भगवान, इन बच्चों के साथ है। क्या कर रहे हो आप? बहुत मजाक किया है। सुधरोगे नहीं तो चुप। दामाद जी नहीं देख रहे हैं? अबे दामाद जी को बुलाइए। आने को कहो, आने को। आइए दामाद जी। मुझे भी नहीं पता कहाँ चली गई। नमस्ते। बॉल कहाँ है? बॉल कहाँ है? कल तुमने जो कहा था वो तो मैंने बोला था ना, बस थोड़ा सा और रुक जाओ, तुम्हारी सब समझ में आ जाएगा। फिर से कहो ना। अरे तुम उससे बात करो। सुनिए अंकल, मैं बताता हूँ बात ये है ना, कल तो हमने कुछ कहा नहीं, आज ही बोल रहा हूँ। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो तुमने बहुत सही कहा। वो कल क्या कहा था? वो कल नहीं परसों कहा था और फिर आज भी कह दिया। क्यों? क्योंकि कल किसने देखा? छोटे कुछ पूछता हूँ, उसे गलत मत समझना। तुम बीसू की फिल्म बहुत ज्यादा देखते हो क्या? कल भी दो बार देखी थी। मैं शादी में नहीं रहूंगा, जा रहा हूँ। तुमने ऐसा क्या कह दिया कि साधु जी नाराज हो गए? तो हमने कल ही बता दिया था। साधु जी, साधु जी, आप गलत समझ रहे हैं। 6 महीने पहले ये सब शुरू हुआ है, इसलिए उन्हें मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। साइंस के इस जमाने में तमिल वैद्य को बुलाना पागलपन नहीं तो और क्या है? नमस्ते। 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 छोटी बच्ची है, कुछ गलती से कह दिया हो तो माफ कर दीजिएगा। आज की नई पीढ़ी पुरानी रीति रिवाज को मानती ही नहीं, उसे विज्ञान और उसकी शक्ति पर बहुत नाज है। उन्हें तमिल वैद्य की महिमा कभी बताई ही नहीं गई। आप लोगों को पता है, चेचक जैसी बीमारी को हम लोग माता का प्रकोप कहते थे, जिसका इलाज बहुत सरल था, नीम की पत्तियों और हल्दी से ठीक हो जाते थे। इतिहास गवाह है कि तमाम बीमारियां जड़ी बूटियों से ठीक हो जाती थीं। प्राचीन काल की बात है, एक राजा था जिसका नाम था रंगा अरसोडियान। वो तलवार चलाने में माहिर था, युद्ध कला में निपुण और उसकी सभी चालों को अच्छी तरह से जानता था। अपने शासन काल में उसने दक्षिण भारत के बहुत से राज्यों को अपने कब्जे में किया था। जब भी रंगा अरसोडियान के शत्रु उसके राज्य पर हमला करते थे तो वो उन्हें अपने राज्य की सीमा पर ही जीत कर भगा देता था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। अचानक एक दिन राजा का दाया हाथ काबू खोकर अपने आप ही चलने लगा। उसे कैसे ठीक किया जाए किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था। राज्य के वैद्य भी बहुत चिंतित थे। इलाज के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां मंगवाई गईं। जब राजा के संबंध में ये बात उसके शत्रुओं को पता चली, वो लोग उसके राज्य पर आक्रमण कर दिए। रंगा अरसुडियान का हाथ उनके वश में नहीं होने की वजह से वो युद्ध हार गए। शत्रुओं के हाथों में पड़कर उनके राजा कहीं मार न दिए जाएं, ये सोचकर उन्हें गायब कर दिया गया। लेकिन दुश्मनों के हाथों राजा की पत्नी फंस गई, उन्हें बंदी बना लिया गया। इधर राजा के हाथ का इलाज करने हेतु जड़ी बूटी ढूंढने वाले लोग हिमालय की तराई से एक पेड़ की जड़ों को लाकर उससे राजा का इलाज किया, जिससे उनका हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया। ठीक उसी समय पांडियन और देवर लोगों को दक्षिण भारत में उनके शत्रु उन्हें ढूंढकर मारने लगे। इधर राजा रंगा अरसोडियान को एक पत्र मिला, जिसमें ये लिखा हुआ था कि शत्रु उनकी पत्नी की बेइज्जती करने वाले हैं,
ये सुनने के बाद रंगा अरसोडियान उनसे युद्ध करने के लिए निकल पड़े। इसलिए अच्छे से शेविंग करके आया हूँ, तब भी मुझ पर दया नहीं दिखा सकती? ये सब हम रूम में देख लेंगे, ओके? एटलीस्ट वन ट्रेलर तो सही। टीजर भी नहीं होगा। Welcome to White Mountain. Yeah, hi. Hi. This is my booking number. Okay, let me check. Yeah. आप चेन्नई से हैं क्या? Hey, आप तमिल हैं क्या? जी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जानता हूँ. आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए प्लीज. Okay. ID प्रूफ सर. जरा निकालो तो. ये तो हैदराबाद का एड्रेस है. चेन्नई एड्रेस का ID है, देखो ना. हाँ. Thank you. ये ओरिजिनल ही है ना? बॉस, मैं चेन्नई से हूँ, हैदराबाद में काम करते वक्त ये बनाया था. ओके. हे सुनो सर, रूम 215, ये भी आपके गांव का है, तंजावुर साइड का. हेलो. ठीक है, अब चलें. सर मैं लेके आता हूँ. एक्सक्यूज मी, योर आईडी कार्ड आप भूल करके जा रही हैं. हैव अ प्लेजेंट डे. थैंक यू. मैडम, आप दिखने में मेरी बहन जैसी लग रही हैं. कोई हेल्प हो तो मुझे बोलिएगा. हाँ, तेरी दीदी को बहुत काम है, तू पहले यहाँ से निकल. कुछ चाहिए तो मैं बुलाऊंगा. हाँ, तब तक डिस्टर्ब मत करना. ओके, चल बाय. बहुत ठंड लग रही है, ऐसा कह रही थी ना. इतने दूर से ट्रैवल करके आए हैं, थोड़ा फ्रेश होती हूँ. वेट कर. ए, अब और ज्यादा वेट मुझसे नहीं होगा. आने तक तो वेट करना ही होगा. Thank you.
मैं भी तो तुम्हारे साथ ट्रैवल करके आया हूँ ना। आदि अंदर नहीं आना, मुझे भी तो टायर्ड लग रहा है ना। अंदर नहीं आना मैंने कहा, आने दो ना। मुझे नहाना है, तुम बाहर जाओ। हाँ, तो मुझे भी तो नहाना है ना। प्लीज 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 प्लीज। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? रोहतांग पास। ड्राइवर जी साहब, कैन यू टेक अस हियर? पूछ के आता हूँ साहब। थैंक यू। आज एक्स्ट्रा खूबसूरत लग रही है। अच्छा, ए, एक घंटा रूम में टाइम बिता के बाद में निकलते हैं ना हम लोग। मार खाओगे हाँ, सीधे गाड़ी में आकर बैठो। मेरा मोबाइल दो, जल्दी से एक सेल्फी ले लेती हूँ। दो ना, क्या कर रहे हो? अरे मेरे पास नहीं है। अरे चार्ज पर लगाया था। ए, मैं भी आता हूँ। तो फिर तुम ही जाकर आओ। तो फिर तुम? अगर मैं भी आई तो एक बार फिर से नहाने के लिए कहोगे। जाओ। जा रहा हूँ। जल्दी आना। कर रहे हो यहाँ पर? कुछ नहीं कर रहा था। उसे नंगा करूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। तुझे पता है उस वीडियो से हम सब की कितनी कमाई होने वाली है? ए, हमारे सारे रिश्तेदार मिलकर गांव में भगवान के सामने हमारी खुशी खुशी शादी करवाई। हमें छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई, छोड़ दो हमें, छोड़ दो ना, बोला ना, छोड़ दो, छोड़ दो। कुछ नहीं कर पाएगा। आज की रात वो वीडियो अपलोड होने वाला है। कल से सारी दुनिया उस वीडियो को देखेगी। देखने वालों को क्या पता कि तू उनके रिलेशन में है। हर एक व्यूअर हमारे लिए पैसा है। ए, हम तुमको ऐसे नहीं छोड़ेगा, हम पुलिस के पास जाएगा। जाना, पर जाने से पहले सब लोग क्या देखने वाले हैं उसे जरा एक नजर देख कर तो जा, उसके बाद कंप्लेंट कर। ए, तू भी देख ले। यहाँ से जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मौत का रास्ता। मार डालो इसको। ए, उधर देखो, पकड़ो उसे। पकड़ो उसे, घेरो।
क्या हुआ? अभी ऊपर मत आओ, नीचे चलो, चलो भागो। भागी जा रही है तू? जरा उसे बुलाओ। चंद्रदेव बॉस। ये नया आया है क्या? या अपने वेबसाइट के बारे में पता है क्या? हाँ पता है, मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स देखी हैं। ये इंटरेस्टिंग होगा। बहुत ज्यादा कंपटीशन है या? ऑफ कोर्स सर, हम भी अच्छे कॉम्पिटिटर हैं। अच्छा कॉम्पिटिटर? पॉर्न इंडस्ट्री हॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाई करता है। सीरियसली? बात यह की बहुत सी कंट्री से प्रोफेशनली शूट करते हैं, लेकिन हिडन वीडियोस की बात ही कुछ और है, बिकॉज इसकी वैल्यूज ज्यादा है। तुमने जो हार्ड डिस्क ड्रॉप किया है उसमें बहुत कीमती वीडियोस हैं। उसके एक एक व्यू का मतलब है मनी, समझा? सॉरी सर। चंद्रदेव सर, ऑल द बेस्ट। थोड़ी भी गलती नहीं होनी चाहिए। सॉरी सर। क्या? Yeah.
कौन थे वो? तमिल कपल भाई। कहीं से आए और मेरे बाप को मार के चले गए। तुम लोग यहाँ खड़े होके तमाशा देख रहे थे। वो उसी होटल के अंदर कहीं छुपे हुए हैं। हाँ हाँ, हम बिल्कुल उनको पकड़ लेंगे भाई। अब उसे मैं देखूंगा। गब्बर भाई, हमें थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज। गब्बर भाई माफ कर दो। गब्बर भाई, गब्बर भाई प्लीज प्लीज भाई, भाई गब्बर भाई माफ कर दो। गब्बर भाई, गब्बर भाई प्लीज भाई। तमिलनाडु से है ना? सच बता। कसम से मुझे पता नहीं है भाई। ए, चल बता। कसम से मुझे पता नहीं है भाई। खत्म कर दो इसे। ए, कमीने, कैमरे को कट करके एक्टिंग कर रहा है। चल बता कहाँ है। बोलो। Shit. मदुराई वालों का कत्ल क्यों किया? सॉरी भाई, आपसे क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा। आपके रूम में जो कैमरा लगा था उसे कट करने के लिए मैं वहां गया था। वो सारी वीडियोस कहां रिकॉर्ड करते हैं? वो गौरपुर एरिया में गब्बर भाई के अड्डे पे रिकॉर्ड होता है। और उन सारे वीडियोस का वो लोग करते क्या है? पता नहीं भाई, कस्टमर चेकआउट होने के बाद फोन करते हैं, फिर वो टीम के साथ आते हैं, ऐसा सुना है भाई। इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या करेंगे आदि? यहाँ से बचने की कोई जगह? वैसे कैसे भी चलेंगे तो वो लोग पकड़ लेंगे भाई। तो रास्ता होगा, चलो ढूंढते हैं। उस कपल की सारी डिटेल चल चुकी है, सिर्फ तुमने उन दोनों को देखा है। तुम उन दोनों को ढूंढो, उस लड़के को देखता हूं। ओके, मैं ढूंढता हूं।
लॉरी में फायर एक्सीडेंट हो गया है, सभी दूसरे होटल में जा रहे हैं। यार पूरा मूड खराब हो गया, कितना मन कर रहा था ना मेरा। मेरा भी मूड खराब हो गया। Really sorry for the inconvenience। हम आपको दूसरे होटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, अपनी आईडी कार्ड दिखाकर यहाँ से बाहर जाइए। क्या हो रहा है यहाँ पर? अंकिता, विकास कहाँ से हो? हाथ से माला छूटने के बाद मेरा हाथ अनकंट्रोल हो रहा है, तुम हिम्मत मत हारना। बेटा हूँ, कल रात में हम लोग यहाँ आए हैं, और अब हमें दूसरे होटल में क्यों शिफ्ट कर रहे हो? प्लीज बी कूल, ये फैसिलिटीज वहाँ पर भी मिल जाएंगी आपको। मजाक कर रहे हो तुम? छोड़ो, प्लीज गो। जो भी यहाँ तमिलनाडु से नहीं है सबको बाहर निकालो। तुम कहाँ से हो? हैदराबाद। हैदराबाद, ओके, यू कैन लीव। पता नहीं इतनी देर से क्यों बिठा रखा है यहाँ पे। You both please get down. Why? Don't worry, the van will wait for you. You missed your scarf. Go. So, do you like this place? Yeah. जाओ, जाकर ले लो। Damn cold. Are you guys okay with this weather?
या वी आर फाइन। Hope you guys having a good time here. So you're from Hyderabad? Yes. Do you know Hindi? No. I thought only Tamil people don't know Hindi. No, some Telugu people also there. Do you have any Tamil friends? No. No is reply for every question. Huh? Just kidding. Do you like this place? Yeah, I love it. What do you love most here? Snow and climate. What about our hotel? Yeah, it's good. Our hospitality? Nice. Nice people, right? Yeah, very kind. Kind? Yeah. तुम वो भाषा जानती हो? तेरी ले। तेरी ले मतलब उसका मतलब इनको थोड़ी ना पता होगा। तेरी ले means couldn't understand in Telugu. Is it? Why are you asking so many questions? Any problem? Hey, यहाँ पर बहुत ठंड है। तुम लोग कर क्या रहे हो? भेज दो। Okay, जाओ। अम्मी, चलो। तेरी ले Google कर। Hey, Tamil. वैन ड्राइवर को कॉल भी नहीं लगा। जल्दी जाओ। कपूर भाई के पास ये फोटो आया है, इसे ही पकड़ना है। ध्यान से देख लो और सब लोग लग जाओ काम पे। चलो भाई। हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? हमारी वजह से उनकी जान चली गई। बेचारे कितने सपनों के साथ यहाँ आए थे। चलो नादी, पुलिस के पास चलते हैं। हमने पुलिस भी उनके साथ ही मिली हुई है। कैसी जगह है, इंसानों की इज्जत ही नहीं है। मुझे यहाँ से ले चलो आदि, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब लोग अपनी जगह पे बैठो, कोई हिलेगा नहीं। क्या चाहिए आपको? मैं अपना मुंह दिखा चुपचाप। क्या करूं, उधर देख, उस गाड़ी में भी देखो। भाई बेटी, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम लोगों को यहाँ रहने से बहुत खतरा हो सकता है। चलो मेरे साथ। ठीक है, चलो। बस स्टैंड पे तुम्हारा फोटो दिखाकर ढूंढ रहे थे। वो सब बहुत खतरनाक लोग हैं। मेरे बेटों को उन लोगों ने ही मार डाला था। आप लोगों का यहाँ रहना ठीक रहेगा। सुबह मेरे भाई की लॉरी आएगी, उसमें बैठकर तुम लोग चले जाना। आओ आओ, यहाँ बैठो बेटी, डरो मत। जाते वक्त ठंड ज्यादा लगेगी, इसे रख लो। तुम भी बैठो बेटा। ए मंजूर आया। दीदी जकावा लेकर आ इनके लिए। ठीक है। तुम लोगों के लिए कुछ खाना तैयार करती हूँ, बिना डरे रहना। तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। सोचा हमसे भाग जाएगा।
कपूर भाई को फोन लगा। नहीं मिल रहा है भाई, दोबारा लगा। बैठो। चलो चलते हैं, डर लग रहा है। डरो मत। भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए भाई, भाई भाई, नहीं, नहीं, भाई भाई भाई, छोड़ दीजिए। भाई अब भाग जाइए, भाग जाइए यहाँ से, जल्दी भागिए, जल्दी भागिए यहाँ से, भाग जाइए, जाइए, जाइए। ये कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। आओ नहीं। पागल हो क्या? उसके लिए कमीने तू क्यों मर रहा है? वो हमारे गांव का है, हमारी भाषा जानता है। क्या? तमिल, तमिलनाडु। सर, हमें एक हेल्प चाहिए। What happened? We are in a big problem. Please give us lift. Big problem. Give me big money. Big problem. So big money. ये लीजिए। Branded है क्या? Give me. आ जाओ, गाड़ी में बैठो। क्या? Okay. Car. Inside. Go, go. Thanks. सर, यहाँ गौरपुर गब्बर की जगह पता है क्या? या या। ब्रिज पार करने के बाद एक बड़ा सा गोडाउन। ओके। एक मिनट। अपना टाइम आएगा। हाय। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। दरवाजा खुल नहीं रहा। Oh.
इधर ही रहो, मैं देखता हूँ। इसके बाद कोई परेशानी नहीं है। वो लोग साथ में आते ऐसा सुना है भाई। कहां गए? पता नहीं कहां चले गए। एक भी जगह नहीं बचनी चाहिए, ढूंढो उसे।
जाओ ढूंढो, जाओ। एरिया में गब्बर भाई के अड्डे पर रिकॉर्डिंग होती है। मुझे नहीं चला जाएगा दादी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा सब्र कर लो। हर जगह ढूंढो उसे। हमारे आदमी सारे एरिया में ढूंढ रहे हैं भाई। अनी, हम यहाँ एंजॉय करने आए थे और हमारे साथ क्या हो रहा है? कितनी तकलीफें पार करके हम यहाँ क्यों आए, ऐसा लग रहा है पता नहीं हम यहाँ से जिंदा बचकर निकल पाएंगे या नहीं। कल अपने घर में उस छोटे से रूम में दोनों कसकर लिपट कर सोएंगे। सच में? बस मेरे जो खर्राटे होंगे वो तुम्हें एडजस्ट करने पड़ेंगे। कहीं भी जा रहे हैं तो उनके ही लोग मिल रहे हैं। मैं देखता हूं कोई और रास्ता है क्या। मैं जब तक वापस ना हूं तब तक ये जगह छोड़कर हिलना मत। अभी इतनी रात को वहां जाना मुश्किल होगा, सुबह देखते हैं यार। मतलब वो यही कहीं है। वो यहाँ आ जाए, उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक
तो वो गई। और डाली से तेरा वीडियो मिटा सकता है लेकिन तुझे मरने से नहीं बचा सकता। Oh!
कुछ भी कर ले, लेकिन इस वीडियो को अपलोड होने से नहीं रोक पाएगा, बिकॉज आई एम द किंग। लेकिन इस वीडियो को अपलोड होने से नहीं रोक पाएगा, बिकॉज आई एम द किंग। आदि, जिंदगी का फैसला तू नहीं कर सकता। जा। मुझे भरोसा था। किस पर? कि तुम्हारे खर्राटे की आवाज मेरी नींद डिस्टर्ब करेगी। आदि, लव यू। लव यू। हे, हे। आदि, क्या हुआ? क्या हुआ पता नहीं अवनी, मेरा राइट हैंड अपने आप मूव हो रहा है। बनाने वाले साउथ कोरिया में 5-स्टार होटल के 1600 से ज्यादा कस्टमर्स का खुफिया कैमरा लगाकर गंदा वीडियो बनाया गया। इस बात से उस देश में हंगामा मच गया है और जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है वो अभी फिलहाल शॉक में हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस तरह की वीडियो बनाकर वो लोग लाखों डॉलर्स कमा लेते हैं। चेन्नई में लड़कियों के ठहरने वाले गेस्ट हाउस में बाथरूम, बेडरूम ऐसे कई जगहों पर गुप्त कैमरास लगे हैं। त्रिची में जो गेस्ट हाउस है उसमें जो लोग कैद हैं, पुलिस उनकी जांच कर रही है। जांच होने के बाद ही आपको विस्तार में बताया जाएगा। 2013 से लेकर अब तक 30,000 से ज्यादा ऐसे केस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। अभी तक उसका फैसला नहीं किया गया है। आगे की खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे न्यूज़ चैनल पर।